क्या आप घर बैठे ना जांच खरीदे? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अस्मानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं बिहार की कुछ बड़ी खबरों की ओर, जहां आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार यादव, तेज प्रताप यादव और राजीव रंजन सिंह ने सभी देशवासियों को ट्वीट करते हुए बधाई दी है। तो आज सभी दिग्गजों ने नवरात्र के मौके पर ट्वीट करते हुए बधाई दी है, क्योंकि आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है। और हम आपको ट्वीट भी दिखा रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव ने देश में सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हुए ट्वीट किया है, जबकि तमाम दिग्गज नेताओं ने नवरात्र के मौके पर जनता को ट्वीट करते हुए बधाई दी है। वहीं आपको बताते चले कि नवरात्र के मौके पर 9 दिन तक माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है, जिसकी आज शुरुआत हो चुकी है। वहीं नीतीश कुमार यादव ने भी ट्वीट करते हुए बिहार की जनता को नवरात्र के अवसर पर बधाई दी है। नालंदा जिला अंतर्गत गिरियक प्रखंड के एक गांव में हर साल चैत्र नवरात्र के समय मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं और पुरुष के प्रवेश पर मंदिर के पुजारियों और ग्रामीणों के द्वारा पूर्ण रूप से वर्जित करा दिया जाता है। ये प्रथा आदिकाल से ही चली आ रही है और बिहार शरीफ मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर घोसरावा गांव में नवरात्र के समय पूरे 10 दिनों तक इस मंदिर में महिलाओं को अंदर प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी जाती है। ये नियम चैत्र नवरात्र और आसीन माह नवरात्र के समय लागू होता है। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का नाम आशापुरी रखा गया, क्योंकि यहां बौद्ध काल में 1800 बौद्ध भिक्षु आकर अपनी मन्नत मांगते थे और उनकी सभी मन्नतें पूरी होती थीं। यह मंदिर जो है ईसा 300 वर्ष पूर्व का, जसोवर्मपुर नाम के एक राजा थे, वही स्टार्ट किए और वही इस मंदिर को निर्माण करवाए। उसके बाद महिलाओं के इसलिए वर्जित है कि यहाँ तांत्रिक पूजा होती है, तो तांत्रिक पूजा में महिलाओं का वर्जित है। नवरात्रि का यहाँ बहुत महत्व है, यहाँ बहुत बलि है, समझे ना। नवरात्रि में सबसे पहले तो पाठ होता है, 3 बर्ती द्वारा पाठ किया जाता है और उसके बाद बलि का यहाँ प्रथा है। तो बलि में नवरात्रि में कुष्मांड का बलि भी दिया जाता है, पशु का बलि होता है, नर बलि भी होता है, सभी चीज का बलि दिया जाता है। वहीं पूरे बिहार में धूमधाम से बिहार दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, लालू यादव, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सभी लोगों को बिहार दिवस की बधाई दी है। तो सभी दिग्गजों ने बिहार दिवस के मौके पर सभी बिहारवासियों के साथ देशवासियों को बधाई दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार ने अपनी लगन और कठिन परिश्रम के मेहनत पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। वहीं नीतीश कुमार यादव का भी ट्वीट हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहाँ उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बिहार का इतिहास गौरवशाली है। जहां एक तरफ सभी दिग्गजों ने बिहार दिवस के मौके पर ट्वीट करते हुए सभी को बधाई दी है, तो वहीं पूरे बिहार में धूमधाम से बिहार दिवस मनाया गया और कई कार्यक्रमों का इस दौरान आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर छात्र और छात्राओं ने जय बिहार के नारों के साथ सड़कों पर रैली निकाली। वहीं कई जगह मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है।
इस मौके पर सभी लोगों ने बिहार की तरक्की की कामना की है। तो हम ये चार अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बिहार दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मसौढ़ी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और नवादा की ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जहाँ बिहार दिवस के मौके पर कहीं मैराथन तो कहीं महिलाओं को सम्मानित करते हुए इस दिवस को और खास बनाया गया। नवादा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से नववर्ष के अवसर पर पथ संचालन निकाला गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि कम टुगेदर, सिट टुगेदर, थिंक टुगेदर और वर्क टुगेदर, ये चारों सूत्रों के मिलने से व्यक्ति का निर्माण और स्वस्थ समाज के निर्माण में मदद मिलती है। उन्होंने स्वयंसेवकों को सामाजिक समरसता के माध्यम से समाज के अंदर कार्य करने की प्रेरणा दी। वहीं उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाने की भी अपील की है। खबर नालंदा से है जहां बीती रात हुई भीषण बारिश और आंधी की चपेट में आने से बिहार शरीफ के श्रम कल्याण में केंद्र के मैदान में आयोजित होने वाले बिहार दिवस का पंडाल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि पंडाल निर्माता चंदन कुमार पंडाल को दुरुस्त करने में जुट गए। इस आंधी तूफान और झमाझम बारिश के कारण फसलों के भी नुकसान होने की खबर अब सामने आई है। फिलहाल में काट कर रखी गई दलहन फसलों को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। नालंदा में बिहार दिवस के मौके पर बिहार शरीफ के श्रम कल्याण के मैदान से प्रभात फेरी निकाली गई जिसकी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। इस प्रभात फेरी में बिहार शरीफ के कई स्कूली छात्र छात्राओं ने शिरकत की। इस मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी केशव प्रसाद ने कहा कि बिहार को इससे भी बेहतर बनाने के लिए बिहार दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। फेरी का आयोजन किया जा रहा है तो हमारे जितने सरकारी स्कूल के बच्चे भाग ले रहे हैं और बिहार दिवस को अच्छा मनाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित पहला यह कार्यक्रम है। इसमें सभी बच्चियाँ जो है देखेंगे आपको काफ़ी हर्षो उल्लास के साथ जो अच्छा कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और बिहार को बेहतर बनाने के लिए अभी बेहतर बेहतर से और बेहतर बनाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और पूर्ण विश्वास है कि बिहार दिवस का जो आयोजन हो रहा है वह सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए। बाढ़ के प्रखंड संसाधन केंद्र में आयोजित समारोह में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के सेवानिवृत्ति के अवसर पर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर नवकंज कुमार ने कहा कि शिक्षक समाज का सच्चा मार्गदर्शक है, उसके बिना ज्ञान अधूरा है। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अरविंद कुमार ने आगे कहा कि शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, उसके ज्ञान और अनुभव का हमेशा प्रकाश समाज में फैला रहता है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबर बिहार से है जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि लंदन में आरएसएस पर दिए गया बयान अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं बिहार सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर करवाए हैं। कोर्ट ने मुकदमे की अगली सुनवाई 29 मार्च को मुकर्रर की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी लंदन की एक सप्ताह की यात्रा पर थे और 5 मार्च से लगातार उन्होंने जो वहां इंडियन ओवरसीज कांग्रेस नाम की संस्था है उसके द्वारा कैम्ब्रिज में और अन्य जगहों पर, लंदन के अन्य जगहों पर भी उन्होंने जो संबोधन किया उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में एक हिंदूवादी संगठन है जो नफरत फैलाती है, वो मुसलमानों को देखना नहीं चाहती है। और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ठीक उसी प्रकार की संस्था है, अंडरग्राउंड संस्था है, जिस प्रकार दुनिया के 14 देशों में प्रतिबंधित इस्लामिक आतंकवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड है। ये आपत्तिजनक आरोप उन्होंने लगाया और इसके साथ कहा कि भारत के सरकार के जितने भी लोकतांत्रिक संगठन हैं उन सबों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कब्जा है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूं और एक समाज सेवी हूं, हिंदुत्ववादी हूं और इसलिए मेरी भावना को ठेस पहुंची है और आज मैं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में राहुल गांधी के विरोध में एक परिवाद पत्र दायर किया है जिसमें इन सबकों को आरोप के रूप में डाला है और भारतीय दंड संहिता की धारा 295A, 298, 205, 206, 121A के तहत माननीय न्यायालय ने इसको सुनवाई पर रखा है। इसकी अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। यदि मैं सुनवाई के क्रम में अपने आरोप को सिद्ध करने में सफल होता हूं, तो राहुल गांधी को 3 वर्ष की सजा और आर्थिक दंड दिया जाएगा। बिहार के आरा में विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसके बाद इंटरमीडिएट में सेकेंड डिवीजन आने के बाद हताश छात्र ने फाइनल पी कर आत्महत्या का प्रयास किया है, जिसे गंभीर हालत में आरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां छात्र की हालत नाजुक बनी हुई है। बता दें कि छात्र मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव का रहने वाला है, जो कि आरा एसबी कॉलेज में कॉमर्स का छात्र है। वही जब इस छात्र का रिजल्ट आया और जब इसको पता लगा कि छात्र सेकेंड डिविजन से पास हुआ है, तो छात्र ने फिनाइल पी ली। घटना ये हुआ कि घर में रखा हुआ था हार्पिक, हाँ। वही पी लिया है। काहे? क्योंकि इसका आज इंटर का रिजल्ट आया था, हाँ। रिजल्ट आने के कारण इसको सेकंड डिवीजन मिला, हाँ। सेकंड डिवीजन तो ये सोचा था कि फर्स्ट डिवीजन आएगा, इसलिए फिनाइल पी लिया और किसी को पता नहीं चला। तो घर में छोटा भाई था तो उसने देखा, देखने के बाद बताया तो हम लोग लेकर आए यहाँ सदर। बिहार के आरा के दियारा इलाके में घास काटने गए नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़िता और उसके परिजनों ने इसका आरोप गांव के ही दो नामजद लोगों पर लगाए हैं। वही सूचना के बाद पुलिस ने घटना में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पीड़िता का मेडिकल जाँच कराने के बाद पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जो जो रस्सी की थी लड़की के साथ, उसकी जो है गिरफ्तारी जो है क्षेत्र से की जाती है। दोनों भागने के फिराक में थे और लेकिन उन्हें ये भनक नहीं लग पाई थी कि वो महिला जो है अपनी बेटी के साथ वो प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाना पहुंच चुकी है। इस कारण में हम लोगों को थोड़ा सा जल्दी एक्शन लिया गया, इसलिए प्राथमिकी दर्ज होने के जो है 2 से 3 घंटे के अंदर ही जो है दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई और दोनों ने स्वीकार किया कि उन लोगों ने जो है इसके साथ जो है गलत किया था। तो उसके आधार पर फिर हम लोगों ने मेडिकल वगैरह करा लिया है और एफएसएल की टीम से बुला के जो है जो भी इसमें एग्जिबिट एविडेंस बढ़िया से हो सकते हैं, टेक्निकल एविडेंस वगैरह है साइंटिफिक, उसको जो किया जा रहा है और जिससे कि अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।
बाढ़ के सलेमपुर दाहौर रेलवे क्रॉसिंग के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई और मृत युवक अकबरपुर का निवासी बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर बाढ़ थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं, जबकि परिजनों ने बताया कि कुछ महीने पहले मृतक के भाई की भी हत्या की गई थी। घटना के बाद परिजनों में भी अब काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। खबर नालंदा से है, जहां दीपनगर थाना क्षेत्र इलाके के महनौर गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में बड़ा खुलासा किया गया है। बता दें कि छोटे भाई ने ही बड़े भाई की हत्या की थी। वही जिला पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें दीपनगर थाना और जिला सूचना इकाई के पुलिस पदाधिकारी शामिल थे, जिसके बाद घटना जो घटित होने के 24 घंटे के अंदर ही हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पिस्टल और मोबाइल सेट भी इस दौरान पुलिस ने जब्त किए हैं। बिहार के रोहतास जिले के डेहरी डालमिया नगर परिषद इलाके के नालों को डायरेक्ट बक्सर केनाल से जोड़ रखा है। वहीं दूसरी तरफ शहर के पूर्वी छोर का पानी सोन नदी में गिराया जा रहा है, जिसमें गंगा प्रोजेक्ट को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देशों का इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। साथ ही बता दें कि वार्ड का कूड़ा वार्ड में ही डाला जा रहा है और सिंचाई कॉलोनी में जुडिशियल क्वार्टर की जमीन पर भी कूड़ा डंपिंग किया जा रहा है, जिस पर अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने जमकर फटकार लगाते हुए परिषद को एक आदेश पत्र भी जारी किया था। इस संबंध में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता अश्विनी कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा सीवरेज के मामले में नगर परिषद को कोई अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने और नियमानुसार कार्रवाई करने के भी दिशा निर्देश दिए हैं। कि नगर देहरी नगर परिषद जो है कि गंदे नाली का पानी नहर में किस तरह गिरा रहा है, और आपको बता दें कि देहरी नगर परिषद के साथ साथ रेलवे भी इस गंदे पानी को एक तरफ नहर में और दूसरी तरफ सोन में गिराती है। जबकि आपको बता दें कि किस तरह का एनजीटी और सीपीबी का जो है कि उल्लंघन खुलेआम हो रहा है, और इस पे जो है कि सब सिंचाई विभाग ने ये इसकी जानकारी बताया कि अभी तक इसका कोई सूचना गंदी नहर में तो पानी गिराना ही नहीं है, लेकिन इसका गिराने का भी कोई ऐसा एनओसी हमारे तरफ से नहीं दिया गया है, सिंचाई विभाग का कहना है। अब इस तरह का जो है कि देखते हैं कि रेलवे और देहरी नगर परिषद जो गंदे नाली का पानी जो है कि एक तरफ सोन और दूसरी तरफ नहर में गिरा रहे हैं, तो इस पे क्या कार्रवाई विभागीय होती है। ठीक है, तो सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के चंदौर पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 1 में बुजुर्ग दंपत्ति की एक साथ हुई मौत को लेकर क्षेत्र में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। परिजन ने बताया कि पहले पत्नी की मौत हुई और उसके आधे घंटे बाद उनके पति की भी मौत हो गई, और दोनों बुजुर्ग दंपत्ति अपने पीछे भरा पूरा परिवार चार विवाहित लड़कों को छोड़ गए, जो मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन बसर करते थे। बता दें कि दंपत्ति के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर पंचायत के मुखिया संतोष कुमार, सरपंच तारानंद विश्वास सहित दर्जनों लोगों ने गहरा दुख प्रकट किया है। मिश्री यादव एवं उनकी पत्नी का रात में स्वर्गवास हो गया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इसे बड़ी सौभाग्यशाली माना जाता है कि पति पत्नी एक साथ मरने के बाद उसमें भी अपने सारे जीवन काल यापन करने के बाद वृद्धावस्था में दोनों पति पत्नी मरी है। ये सती के रूप में हिंदू रीति रिवाज में देखा जाता है कि पति पत्नी की एक अटूट बंधन जो पूरे जीवन काल बिताते हुए और मरने में भी दोनों एक साथ ही मृत्यु हुई। बिहार की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।